हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ दूध और चीनी से बनाए पर्सीड सुपर सॉफ्ट स्पंजी रस माधुरी रस मलाई। आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह से रस माधुरी की रेसिपी बनाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा मेरा किस तरह से रस माधुरी की रेसिपी थी। मुझे कमेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं आप इस तरह से पनीर ले सकते हैं, दूध घर में फाड़ के पनीर बना सकते हैं। आप दूध चाहे तो घर में फाड़ लीजिएगा, नींबू का रस से या छेना के पानी से फाड़ सकते हैं, या पनीर इस तरह से रख कर खूब मस लेंगे हाथ से, जो हथेली है ना उससे मसलते रहेंगे। इतना मसलना है को मसलते हुए पूरा चिकना हो जाए, हाथ में चिपके नहीं, तब तक मसलते रहना है जब तक वो हाथ में चिपके ना। जब चिकनाहट हो जाए तो इस तरह से आप बॉल बना सकते हैं, छोटी छोटी मीडियम साइज़ के, ना ज़्यादा छोटा बनाएंगे ना ज़्यादा। आप अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस अनुसार बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बॉल बना लिए हैं। ये देखिए मैंने पानी रख दिए थे उबलने के लिए, 500 ग्राम पानी में 250 ग्राम चीनी डाल सकते हैं, उतना डालेंगे आधा। उसके बाद सारे बॉल को डाल देंगे इसमें। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से उबाल आ चुका है, सारा रसगुल्ले की बॉल छहला गया है, ऊपर आ चुका है। आप इस मेरा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने घर में ही लावड़ी बनाई थी, लावड़ी जो कि आप घर में ही बना सकते हैं। दूध उबाल के इसे आधा सुखा लेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं।